नमस्कार, कैसे हैं आप? मूड ठीक है? हाँ, मेरा तो ठीक रहता है। आप खुल के लिख रहे हैं आजकल या थोड़ा मतलब दबाव है, प्रेशर है थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा। तो जनरल मूड है ना देश में, लोग थोड़ा घबरा के बोलते हैं आजकल, और प्रेस वालों को भी ये लगता है, थोड़ा झिझक के काम करते हैं। बट हमारी तो पूरी सपोर्ट है आपको। आज हम डीमोनेटाइजेशन, जिसको नोटबंदी कहते हैं, नोटबंदी पे हम थोड़ा कहना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को, देश के छोटे दुकानदारों को, मिडिल साइज बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस जो इस देश को रोज़गार देते हैं, उनको वायदा किया था कि नोटबंदी करके काला धन गायब हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे और आतंकवाद पर ज़बरदस्त चोट लगेगी। और अभी नोटबंदी का रिजल्ट आया है। रिजल्ट क्या आया कि पूरा का पूरा पैसा वापस आ गया। 2% GDP, करोड़ों लोगों का रोजगार, और नोटबंदी का कोई भी रिजल्ट नहीं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को देश को जवाब देना है, देश के युवाओं को जवाब देना है कि बेरोजगारी है, हमारे युवा रोजगार चाहते हैं, और आपने देश पर इतनी बड़ी चोट क्यों लगाई? रीजनिंग क्या थी, लॉजिक क्या थी, कारण क्या था? कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, और हिंदुस्तान के युवाओं को और छोटे दुकानदारों को, मिडिल और स्मॉल साइज बिजनेसेस को मैं बताना चाहता हूं। आप अच्छी तरह सुनिए, आपके प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी क्यों की। उनके सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों के पास, क्रोनी कैपिटलिस्ट के पास, जिन्होंने बैंक का पैसा लिया था, उन पर नॉन परफॉर्मिंग, उनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का पैसा लेकर, आपके जेब में से पैसा निकालकर, सीधा हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के जेब में डाला। यह नोटबंदी का लक्ष्य था। नोटबंदी के समय नरेंद्र मोदी जी के मित्रों ने काले धन को सफेद में बदलने का काम किया। उदाहरण है गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक का, उदाहरण है 700 करोड़ रुपए अमित शाह जी जिस बैंक में डायरेक्टर हैं, 700 करोड़ रुपए उस बैंक में बदला गया। तो ये टोटल, इसको जुमला भी नहीं कहा जा सकता है, इसको स्कैम कहा जा सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही बात कही थी कि जो 70 साल में हिंदुस्तान में नहीं हुआ, जो कोई नहीं कर पाया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने वो निर्णय लिया और देश की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी। तो नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना है कि इन्होंने ये क्यों किया। देश के युवाओं को कहना है, देश के छोटे दुकानदारों को कहना है, मिडिल स्मॉल साइज बिजनेसेस को कहना है कि उन्होंने इन लोगों से पैसा छीनकर 15 सबसे अमीर लोगों को क्यों दिया। ये मेन इशू है नोटबंदी का। कोई सवाल है आपके नोटबंदी पे? We'll have to take one by one.
हाँ जी, अनिल अंबानी जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी पे, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट पे डिफेमेशन सूट लगा दिया है। लगाइए, जितने लगाने लगाइए, मगर डिफेमेशन सूट से सच्चाई नहीं बदलती। नहीं, वन सेकेंड, वहाँ अभी आता हूँ, वहाँ जेटली जी पे आता हूँ। जितने डिफेमेशन सूट लगाने हैं लगाइए, सच्चाई ये है कि 15-20 क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और अपने मित्रों को मदद करने के लिए उन्होंने राफेल स्कैम किया। हाँ, you will find out soon enough what the intention was. It will come to your notice. The intention was very clear, and let every Indian person understand this. The intention was to help the richest people, the most corrupt people in this land, change their money from black to white. That was the intention. Phir se dohrata hu, notbandi ka intention हिंदुस्तान के 15-20 सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट को अपने काले धन को सफेद बदलने में मदद, ये था नोटबंदी। और जो हमारे छोटे बिजनेसेस हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस हैं, उनको खत्म करके, जो छोटे दुकानदार हैं उनको खत्म करके बड़ी कंपनियों का मदद करने का लक्ष्य है। छोटे दुकानदार, मिडिल साइज बिजनेसेस और स्मॉल साइज बिजनेसेस, आप लोग जो चलाते हो, आप अच्छी तरह सुनो। नोटबंदी कोई गलती नहीं थी, नोटबंदी आपके ऊपर आक्रमण था, नोटबंदी आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी गई थी। गलतफहमी में मत आइए, यह गलती नहीं थी, यह जानबूझ के आपको नष्ट करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए और सबसे बड़े अमेज़न जैसे बिजनेस के लिए रास्ता खोलने का तरीका है। एक, हाँ, There is evidence coming out. You will see that note bandi is nothing less than a huge scam. And slowly, slowly, the evidence you are talking about is coming out, and more will come out. Bhai, ek ek karke please. Omar Shankar Singh. One second. माफी जब मांगी जाती है, जब गलती होती है। प्रधानमंत्री जी ने गलती नहीं की, प्रधानमंत्री जी ने यह जानबूझ के किया है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को मार्केटिंग के पैसे दिलवाए, जिनके कारण टेलीविजन पे हर रोज नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाई देता है, कि उनको पैसा मिले। और पैसा कैसे मिले? हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के महिला, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मिडिल साइज बिजनेस, स्मॉल साइज बिजनेसेस के जेब में से पैसा निकाल के सीधा उनके 15-20 क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों को मिले। सिस्टम है, क्रोनी कैपिटलिस्ट नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं, नरेंद्र मोदी जी जनता से पैसा छीन कर क्रोनी कैपिटलिस्ट को देते हैं। बड़ा सिंपल है। एक एक करके कांग्रेस पार्टी के पास, कांग्रेस पार्टी ने देश को चला कर दिखाया है।
हमारे मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, आप हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए। अरुण जेटली जी और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया है। हमारे समय 2.5 लाख करोड़ रुपया नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, कंट्रोलेबल था। आज 12 लाख करोड़ रुपया नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्रों की रक्षा की है। वन पॉइंट प्रोग्राम है, पहले 20 पॉइंट प्रोग्राम हुआ करता था, अब 1 पॉइंट प्रोग्राम है। हिंदुस्तान के क्रोनी कैपिटलिस्ट को कैसे मदद की जाए? नहीं, राफेल के बारे में देखिए, कल अरुण जेटली जी ने सवाल पूछे और उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि नरेंद्र मोदी ये कि अरुण जेटली जी भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मैंने अरुण जेटली जी के थ्रू नरेंद्र मोदी जी को एक ऑप्शन दिया। ऑप्शन था कि जरूर सवाल पूछते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा के पूछते हैं, सब साफ हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा राफेल में क्या हुआ। मुझे कोई इतराज नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कोई इतराज नहीं है, किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को इतराज नहीं है। हम सब मांगेंगे, मांग रहे हैं। 24 घंटे होने वाले हैं, अरुण जेटली जी ब्लॉग लिख रहे हैं, लंबे लंबे ब्लॉग लिख रहे हैं, मगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में अरुण जेटली जी ने कुछ नहीं बोला। अब मैं समझता हूं कि अरुण जेटली जी फंस गए हैं, क्योंकि परमिशन तो नरेंद्र मोदी जी को देनी है। अरुण जेटली जी पता नहीं पूछा या ना पूछा, शायद वो इतना घबराए कि पूछो भी ना। बेसिकली भैया देखिए, दो तीन सवाल है। राफेल बड़ा क्लियर कट केस है। अनिल अंबानी जी ने हवाई जहाज कभी नहीं बनाया। अनिल अंबानी जी 45,000 करोड़ रुपए कर्ज में हैं। अनिल अंबानी जी ने कंपनी कुछ ही दिन पहले खोली, राफेल कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ही दिन पहले खोली। दूसरी तरफ एचएल 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, कोई कर्जा नहीं है, हजारों इंजीनियर हैं जो काम करना चाहते हैं। छोटा सा सवाल है, जो हवाई जहाज 520 करोड़ रुपए का था, उसको आपने 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? किसको फायदा पहुंचाने के लिए खरीदा? अब अरुण जेटली जी उल्टा मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मगर इन तीन सवालों के जवाब तो दीजिए, क्लियर कट है। और जेपीसी लाइए, पूरा देश जानना चाहता है कि अनिल अंबानी जी ने और मोदी जी ने क्या डील की है। ये देखिए सुनिए, अब ये सुनिए, दे आपके सवाल के लिए मैं स्पेशल कागज लाया हूं। ये देखिए, ये है इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टेटमेंट ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फ्रांस। ओके, अब अच्छी तरह सुनिए, एक सेकंड प्लीज मैम, अब अच्छी तरह सुनिए। ये प्रधानमंत्री जी जो आज कह रहे हैं कि मुझे बात समझ नहीं आ रही है, सुनिए। एंड दैट द एयरक्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्वेड टू द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस दैट इन व्यू ऑफ द क्रिटिकल ऑपरेशन नेसेसिटी फॉर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड लाइक टू अक्वायर 36 राफेल जेट्स इन फ्लाई अवे कंडीशन एज क्विकली एज पॉसिबल। बाय द वे वो अभी तक नहीं आए। द टू लीडर्स अग्रीड टू कंक्लूड एन इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑन टर्म्स दैट वुड बी बेटर देन कन्वेड बाय डसॉल्ट एविएशन एज पार्ट ऑफ अ सेपरेट प्रोसेस अंडर वे। The delivery would be in time frame that would be compatible with the operational requirements of the IAF. अब अच्छी तरह सुनिए। And that the aircraft
and associated systems and weapons would be delivered on the same configuration as had been tested and approved by the Indian Air Force. And that's it. Point is, Pradhan Mantri Ji ke joint statement mein likha hai ki configuration wohi hoga. Aur aaj Pradhan Mantri kuch aur bol rahe hain. To kya ye vyakti jisne ye statement diya tha, होलैंड जी के खड़े हो के पास खड़े होके क्या वो नरेंद्र मोदी नहीं था क्या वो कोई और था? इसमें तो क्लियर लिखा है कि इट इज गोइंग टू बी द सेम कॉन्फ़िगरेशन. सो द मैन इज लाइंग. ओके, आप बिल्कुल चुप हो गई. आप बिल्कुल चुप हो गई. हेलो हेलो, देखिए देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया. प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सही दाम देने का वायदा किया. प्रधानमंत्री जी ने बुलेट ट्रेन का, मतलब उनके तो वायदे की लिस्ट है. तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं उसको हम सीरियसली नहीं लेते हैं, मगर जब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं हम उनके झूठ को पकड़ते हैं. प्रधानमंत्री जी ने राफाल में अनिल अंबानी की मदद करने की कोशिश की. बीजेपी के प्रेसिडेंट के कोऑपरेटिव बैंक में 700 करोड़ रुपए नोटबंदी का बदला गया. बीजेपी ने नोटबंदी से पहले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिसेज खरीदे. तो ये हमारा काम पब्लिक को सच्चाई बताने का है. प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि एयरक्राफ्ट अलग है, और मैंने आपको दिखाया प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट, देख लीजिए, उसमें क्लियरली बोल रहे हैं कि एयरक्राफ्ट इज द सेम. डिफेंस मिनिस्टर एक दिन बोलती है कि हम एयरक्राफ्ट का दाम बताएंगे, दूसरे दिन बोलती है कि हम एयरक्राफ्ट का दाम नहीं बताएंगे, और फिर पता लगता है कि एयरक्राफ्ट का दाम 3 गुना बढ़ गया. तो हमारा सिंपल सवाल है, और युवाओं का सवाल है, किसानों का सवाल है, आपने, नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को चोट मारी, क्यों मारी? कालाधन नहीं कम हुआ? आतंकवाद कम नहीं हुआ? असली नोट गायब नहीं हुए? कोई ना कोई रीजन तो होगा, और मैं आपको रीजन बता रहा हूं. रीजन था कि क्रोनी कैपिटलिस्ट के जेब में पैसा डालना. थैंक यू वेरी मच.